अगर आपके घुटने का दर्द आपको परेशान करता है तो उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण ये है कि घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो बड़ी कमज़ोर हैं, उनको मजबूती देनी होगी। घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनमें कड़ापन है, स्टिफनेस है, जिसकी वजह से वहाँ पर रक्त संचार अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम और योग आसनों के अभ्यास जिनको अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपको बहुत से फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनमें मजबूती आएगी। घुटने के आसपास जो बहुत कड़ापन है ना, उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी और साथ ही वहाँ पर रक्त का संचार बढ़ने से, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से घुटने के अराउंड जो दर्द होता है ना उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। साथ ही उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन लोगों को पैरों में बड़ी ही कमज़ोरी लगती है, पैरों में बहुत ही दर्द होता है। अब चाहे वो एंकल्स का पेन हो, टखनों का पेन हो, एड़ियों का पेन हो, फ्लैट फीट की समस्या है या कि कोई और परेशानी, तो आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक अभ्यास को अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। साथ ही नीचे घंटी का जो निशान है ना उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? अब सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कुछ सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास जिससे हमारे जॉइंट्स में थोड़ी गर्माहट आ जाए और कोई भी अभ्यास को हम आसानी से कर लें और इससे हमारी मांसपेशियों में मजबूती भी आती है। तो सबसे पहले, सबसे आसान, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से अपने बॉडी के सामने खोल के बैठ जाएं। इसको कहते हैं दंड आसन। इस तरीके से खोल के बैठ गए, आप चाहें तो दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के पीछे रख लें और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएं, ऐसे लीन हो जाएं, ऐसे पीछे की तरफ झुक जाएं, ऐसे। अब अपने दोनों पैर के जो एंकल्स हैं ना, ये जगह, इनको आगे पीछे अल्टरनेट इस तरीके से मूव करेंगे। इससे क्या होगा कि एंकल्स, पैर के पंजे, पैर की उंगलियों पर तो इसका अच्छा इफेक्ट आएगा, साथ ही घुटनों पर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरीके से अंदर बाहर अल्टरनेट कर लिया कम से कम 15 से 20 बार। अब दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़कर, एड़ियों को और अंगूठों को साथ जोड़कर बाहर अंदर बाहर अंदर ऐसे मूव करेंगे। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब आप ऐसे पैरों को बाहर की तरफ खींचे ना तो थोड़ा अच्छी तरीके से खींचे जिससे आपकी थाइस, आपके घुटने, आपकी पूरी की पूरी पिंडलिनियाँ, काफ मसल्स में अच्छा आपको खिंचाव महसूस हो। फिर जब इस तरीके से आप अपने अंगूठों को और पैर की उंगलियों को अपनी बॉडी की तरफ ऐसे पुल करें, खींचें, तो आपकी पिंडलिनियाँ जो है यहाँ पर ये टाइट हो जाएं अच्छी तरीके से। ये उद्देश्य है इसका। ये नहीं कि सिर्फ आप ऐसे ऐसे आगे पीछे घुमा रहे हैं, ऐसे नहीं, बाहर खींचें अंदर की तरफ खींचें, बाहर की तरफ खींचें तो थाई टाइट हो जाए, घुटना टाइट हो जाए, और अंदर की तरफ खींचें तो घुटना और काफ मसल्स अच्छी तरीके से टाइट हो जाएं, ऐसे। अब इसको भी 15 से 20 बार अभ्यास कर लीजिएगा। अब तीसरा अभ्यास, अपने पूरे पैर के पंजों को इस तरीके से क्लॉकवाइज पहले 10 टू 20 टाइम्स कर लें, ऐसे घुमा लें, और फिर ऑपोजिट घुमा लें इस तरीके से 10 टू 20 टाइम्स इस तरीके से, और ब्रीदिंग जो है अभी नॉर्मल रखिए ऐसे। तो इतने अभ्यास मात्र से आप देखेंगे कि आपके पैरों पर रक्त का संचार इम्प्रूव हो गया है और अब धीरे धीरे ऐसे अपने पैरों को टैप करें, इससे भी ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। अब क्या करें कि अपने पैरों को धीरे धीरे ऐसे घुटने से मोड़ें ऐसे, और फिर इसको मैट पर रख दें, फिर घुटने से मोड़ें, फिर मैट पर रख दें, इस तरीके से हल्का हल्का बेंड करेंगे। और आज की सारी प्रैक्टिसेस चूँकि नी पेन के लिए हैं तो इन सारे अभ्यासों में घुटने के आसपास की मसल्स को मजबूत बनाने के अभ्यास करेंगे। इस तरीके से इसको भी 10 टाइम्स राइट, 10 टाइम्स लेफ्ट पैर से दोहरा लें। फिर उसके बाद क्या करें, राइट पैर को घुटने से मोड़ें, इसको लेफ्ट थाई के ऊपर ऐसे रख दें इस तरीके से, ऐसे।
फिर उसके बाद राइट पैर को सीधा कर लें, लेफ्ट पैर को मोड़ें। ये हो गया अर्धबद्ध कोणासन का अभ्यास या हाफ कॉबलर पोज। अगर ऐसे बिना हाथ के सपोर्ट के नहीं रख सकते हैं तो धीरे से लेफ्ट पैर को उठाएं, हाथ की मदद से इसको राइट पैर के ऊपर रखें। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी अभ्यास में नहीं करना है। तो 5 से 10 बार राइट पैर और 5 से 10 बार लेफ्ट पैर इस तरीके से, तो इसे एंकल और घुटनों के आसपास, और हल्का सा ऐसे इस तरीके से प्रेस अगर कर देंगे तो भी घुटनों के आसपास आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसे इस तरीके से। तो जब अभ्यास कर लें तो लास्ट में हल्का सा ऐसे दबा के रखें, फिर इसको रिलीज़ कर दें, फिर इसको इस तरीके से दबा के रखें और फिर इसको ऐसे रिलीज़ कर दें। अब दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें। अब जब ये अभ्यास कर लें फिर उसके बाद क्या करें कि अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ें और किक करेंगे। कैसे? राइट पैर को घुटने से मोड़ा और धीरे से उठा के ऐसे बाहर की तरफ ऐसे किक करेंगे, ऐसे सामने देखें और किक करें। 1, 2, तो इससे घुटना, हिप जॉइंट्स पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ऐसे ऐसे 5 से 10 बार इसको राइट पैर से, और फिर उसके बाद सेम अभ्यास लेफ्ट पैर से, ऐसे 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 ऐसे। तो इससे जिनको पैरों में बड़ी दर्द की समस्या होती है, पैरों में इतनी जान नहीं होती ना, वो दूर हो जाएगी। फिर से पैरों को इस तरीके से टैप करें। अब दोनों पैरों को इस तरीके से अपने घुटने से मोड़ लें, ऐसे, और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे तो रखा ही हुआ है। अब राइट पैर के घुटने को लेफ्ट पैर की एड़ी की तरफ ड्रॉप करेंगे, है ना, ऐसे। दोनों पैरों को ऐसे जोड़ के नहीं रखा है, साथ में पैरों के बीच में फासला किया है, ऐसे, और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखा है। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए राइट घुटने को लेफ्ट एड़ी की तरफ ऐसे ड्रॉप कर दिया, है ना। और जब हमने ड्रॉप किया है अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड, तो फिर हम ऑपोजिट देख रहे हैं, यानी राइट कंधे की तरफ। अब दोनों घुटनों को जब दाहिनी साइड ड्रॉप करेंगे तो लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ऐसे। सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें सांस छोड़ें। तो इसका अभ्यास 5 से 10 बार आप राइट साइड और लेफ्ट साइड कर लें। हाँ, एक चीज़ और बताऊं, जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो हो सकता है अभ्यास करते करते ऐसे, अभ्यास करते करते आप आगे की तरफ ऐसे फिसल जाएंगे। देखिए मैं कितना अभ्यास करते करते आगे आ गई, फिर से पीछे जाइए और अभ्यास को फिर से ऐसे ही जारी रखिए। अब दोनों पैरों को सीधा कर लें और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें, रेस्ट करें। अब अभ्यास कर रहे हैं बद्ध कोणासन का। दोनों पैर के पंजों को हमने एक साथ जोड़ लेना है। ध्यान रखना है क्योंकि घुटने में दर्द है ना, तो बहुत ज़्यादा इसको करीब तो ला नहीं सकते अपने एड़ी को अपनी बॉडी की तरफ। तो आप जितना कंफर्टेबल हैं उतना ही अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ के बॉडी के करीब लाएं, है ना। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, ऐसे इस तरीके से। और वहीं पर अपने दोनों पैर के पंजों को पकड़ सकते हैं, पकड़ें, या कि फिर दोनों हाथों को ऐसे घुटने के ऊपर रख के और ऊपर नीचे जैसे तितली के पंख फड़फड़ाते हैं, इस तरीके से। अगर हाथ को घुटने पर रखने में कंफर्टेबल हैं घुटने पर रख लें, पैरों पर रखने में कंफर्टेबल हैं तो पैरों पर रख लें। इस अभ्यास से पूरे हिप जॉइंट्स पर तो अच्छा इफेक्ट आएगा ही आएगा, साथ ही आपके घुटनों के दर्द की समस्या दूर होगी, ऐसे। जननांग भी इससे हमारे बड़े स्वस्थ होते हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, दोनों इसका अभ्यास किया करें। तो इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट कर लें और फिर उसके बाद दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और फिर दोनों पैरों को ऐसे आराम से हग कर लें। थाई को, अपने जांघों को अपनी चेस्ट की तरफ, छाती की तरफ लाएं और फिर रेस्ट करें। दोनों पैरों को खोल लें और आराम करें। अब हम अगला अभ्यास करेंगे हिंडोलासन का। इसका अभ्यास करने के लिए अपने राइट पैर को, दाहिने पैर को हमने इस तरीके से उंगली फंसाई और अपने पैर को ऐसे पकड़ लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अपने पैर को उठाया। अब देखिए, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि मैं कंसीडर कर रही हूँ कि आपके पैरों में बहुत दर्द है और फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो इसलिए आपका जो राइट पैर का पंजा है वो चेस्ट के सामने है और इसको अंदर बाहर इस तरीके से कम इसका अभ्यास 5 से 7 बार
इस तरीके से हिला लें और फिर उसके बाद राइट पैर को रख दें मैट पर। फिर इसी तरीके से लेफ्ट पैर को उठाएं और लेफ्ट पैर को भी अंदर बाहर इस तरीके से झुलाएं। एक काम और कर सकते हैं कि अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अच्छी है तो राइट पैर को ऐसे उठाया और फिर उसके बाद लेफ्ट हाथ को ऐसे रैप करते हुए, लेफ्ट एल्बो जो है राइट पैर के पंजे के पास है और राइट एल्बो राइट नी के पास है, और फिर दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे फंसा लिया और इस तरीके से हम अपने पैरों को झूला रहे हैं। इस तरीके से कम 5 से 7 राउंड इसका अभ्यास करें, और अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो कम से कम 1 मिनट इसका अभ्यास एक पैर से कर लें, फिर उसके बाद इसको छोड़ दें। तो 2 अभ्यास मैंने बताया है, दोनों में से आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उस अभ्यास को इस तरीके से करें ऐसे। अब हम इस आसन को रिलीज कर दे रहे हैं। अब हम आगे के जो आसन हैं उनको लेट कर करेंगे, और जो लोग बैठ कर नहीं कर सकते हैं अब अगले आगे के जो प्रैक्टिसेस उनको लेट कर कंटिन्यू करेंगे। अब आगे के अभ्यास हम आराम से पीठ के बल लेट कर करेंगे, तो इससे आपको और भी आसानी हो जाएगी। अब हम अभ्यास कर रहे हैं रिवर्स पिजन पोज या सुचिरंध्रासन, या इसको इंग्लिश में फिगर 4 स्ट्रेच भी कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को हमने ऐसे घुटने से मोड़ लिया, राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाई के ऊपर ऐसे रख दिया। अब देखिए आपके घुटने में दर्द है ना, तो आप ऐसे थोड़ा इधर से देखिए ऐसे, तो घुटने में दर्द है तो इस तरीके से दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में, अपने लेफ्ट थाई के बीच में ऐसे लेके जाएंगे। यहाँ पर घुटने के नीचे ना पकड़ पाएं, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत दर्द होने से, ऐसे पुल करने से बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, तो आप अपनी जो थाई है ना इसके पीछे यहाँ पर पकड़ें ऐसे। अब चाहे तो सांसें आप नॉर्मल भी ले सकते हैं और अपने एंकल को ना अपनी चेस्ट की तरफ ऐसे पुल करें और ब्रीद करते रहें, सांस लेते और छोड़ते रहें। कम से कम इसको 30 सेकेंड आप ऐसे होल्ड करके रखेंगे, इससे पूरे हिप्स के अराउंड तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, साथ ही राइट नी आपकी बहुत अच्छी तरीके से खिंचाव पा रही है। अब इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे। अब लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर ऐसे रख दिया इस तरीके से, और फिर उसके बाद दोनों हाथों को राइट थाई के बीच से लेके गए। अब मैं यहाँ पे शिनबोन पकड़ने की सलाह नहीं दूंगी, अगर घुटने में ज़्यादा दर्द है आप यहाँ पर पकड़ें थाई के नीचे, कभी थाई बहुत मोटी होती है तब भी नहीं पकड़ा जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो भी नहीं पकड़ा जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कम से कम 30 सेकेंड इस पॉस्चर को यहाँ पर होल्ड करें और फिर उसके बाद रिलीज़ कर दें। 30 सेकेंड होल्ड करें और इसको कम से कम 3-3 बार करें, तो एक बार 3 बार राइट 3 बार लेफ्ट अभ्यास कर लें और फिर उसके बाद शवासन में लेट जाएं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे सुप्त वक्रासन का। दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखिए, या तो दोनों हाथों को इस तरीके से टी की पोजीशन पे लेके आ जाइए, या आप ऐसे एल्बो से मोड़ कर रख लीजिए। अब अपने क्या करेंगे, अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ा, और राइट पैर को घुटने से मोड़ने के बाद इसको लेफ्ट नी के दूसरी तरफ इस तरीके से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। फिर उसके बाद सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने राइट घुटने को लेफ्ट साइड ऐसे ड्रॉप करेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद अपने चेहरे को घुमा देंगे राइट कंधे की तरफ और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। कम से कम 10 सेकेंड या 30 सेकेंड इस पॉस्चर को रोकेंगे और दोनों पैरों से इसको 3-3 बार रिपीट करेंगे। ये हो गया राइट पैर से, और फिर उसके बाद लेफ्ट पैर को भी ऐसे मोड़ लिया, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट घुटने की दूसरी तरफ रखा, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट घुटने को ऐसे मैट पर या फ्लोर पर ड्रॉप करें और चेहरे को लेफ्ट घुटने की तरफ ऐसे, लेफ्ट शोल्डर की तरफ इस तरीके से घुमा दें और ब्रीद करते रहें। अब यहाँ पर मैं आपको एक वेरिएशन बताऊंगी, बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि घुटना ऐसे ड्रॉप कर पाएँ दोनों साइड, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम दर्द होता है, तो आप एक तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक बॉलस्टर है, इसको मैं इस्तेमाल करूंगी, और अब देखिए इसका अभ्यास एक साइड बस दिखला रही हूँ। लेफ्ट पैर को ऐसे राइट पैर राइट घुटने की दूसरी तरफ रखा जैसे पहले अभ्यास किया था, और फिर बॉलस्टर या मोटी तकिया को आप अपने बॉडी के करीब रखें
और फिर उसके बाद अपने घुटने को इस तकिए के ऊपर ऐसे ड्रॉप कर दें इस तरीके से, जिनका पैर बहुत नीचे ना जा पाए इस तरीके से ड्रॉप कर दें, और चेहरे को अपने लेफ्ट कंधे की तरफ ऐसे घुमा दें। तो इस डीप स्पाइनल ट्विस्ट का इफ़ेक्ट आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ आपके पूरे के पूरे पैरों पर भी आएगा, और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए दोनों साइड इस तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं। अब हम आखिरी एक अभ्यास करेंगे जिसका नाम है सेतु बंध आसन। ये आपकी थाइस को मजबूत करेगा, आपके घुटने को मजबूत करेगा, पैर की एड़ियों को, एंकल्स को मजबूत करेगा, और आपकी लोअर बैक को भी मजबूत करेगा। तो दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें और दोनों पैरों के बीच में अपने कंधे जितना फासला कर लें, कितना फासला ज़रा ऐसे देखें, इतना, इस तरीके से इतना फासला, ऐसे इतना फासला करना है, ठीक है। और दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखना है इस तरीके से, और फिर उसके बाद धीरे से अपनी हिप को अप करना है, अप करना है, अप करना है, सांस लेना है, और फिर उसके बाद सांसों को रोक के रखना है और सांसों को ऐसे छोड़ देना है, ऐसे सांस लेना है, सांसों को रोकना है और सांस को छोड़ देना है। कम से कम 10 बार इसका अभ्यास, सांस ले, रोके, 1 2 3 और सांस को छोड़ दें ऐसे। तो इससे धीरे धीरे हिप को आप करें, रोकें, 1 2 3 और फिर ऐसे ड्रॉप कर दें। तो 10 बार इसका अभ्यास करें, सांसों को रोक सकते हैं तो 3 काउंट 4 काउंट 6 काउंट जितनी देर भी रोकना चाहे रोकें, और फिर उसके बाद रिलीज कर दें। एक बार इधर से भी इसका अभ्यास देखें। बहुत जल्दी मूव हो गई। अब इस तरीके से पैरों को दूर कर लिया, सांस लिया और सांस को रोका और छोड़ दिया, सांस लिया, रोका और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया ऐसे। तो इस अभ्यास को जब आप करें तो आप खुद महसूस करेंगे घुटने और थाइस के अराउंड जो आपको एक स्ट्रेच मिल रहा है। अब उसके बाद शवासन में लेटेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट तक, उसके बाद ही अपने अभ्यास को विराम देंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है, और अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो भी आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्लास अपने आप में अलग है और हर एक स्टूडेंट के हिसाब से हर प्रैक्टिस को मॉडिफाई ज़रूर किया जाता है। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे थायराइड, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, नींद ना आने की समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की समस्या, PCOD, PCOS, इनफर्टिलिटी की समस्या, प्रोस्टेट की परेशानी, UTI का इन्फेक्शन, इन सभी डिसऑर्डर में योग का अभ्यास करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, और मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी योग का अभ्यास करके बहुत सारे लाभ हुए हैं। अगर आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा? अलग अलग तरीके के योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगिक क्रिया यानी क्लिंजिंग टेक्निक, और भी बहुत सी लाइफस्टाइल को सुधारने वाली टेक्निक्स और टिप्स, साथ ही आपको डाइट के बारे में भी गाइड किया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इन क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो मेरे द्वारा कुछ कोर्सेस डेवलप किए हैं मैंने, जैसे कि योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स, प्राणायाम और मेडिटेशन का कोर्स। जब इन कोर्सेस को आप परचेस कर लेते हैं तो आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप दिन में कभी भी किसी भी वक्त इन वीडियोस को एक्सेस करके अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं, अपने अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, अपने घर के ही कंफर्ट में। जब आप इन कोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मेरी जो ये वेबसाइट है www.yogawithshahida.com, आप इस वेबसाइट पर विजिट कर लें, या कि फिर यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप एक व्हाट्सएप ज़रूर कर दें। आपसे बहुत ही जल्दी क्लासेस में मुलाकात होती है।
तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये सूक्ष्म व्यायाम और योग आसनों का अभ्यास सिखाया, जिसकी मदद से आपके घुटनों के आसपास की मसल्स में, मांसपेशियों में ताकत आएगी, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जो कि मदद करेगा आपके घुटनों में, पैरों में दर्द की जो समस्या है उसको छूमंतर करने में। लेकिन आपको करना ये है कि इन अभ्यासों को निरंतर करते रहना है। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्यूचर में किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, और साथ ही इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खूब शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट पा सकें, लाभान्वित हो सकें। अपना खूब ख्याल रखें और निरंतर योग का अभ्यास करते रहें। अगली वीडियो में फिर से आप सभी से मिलूंगी। नमस्ते।